कितनी गलत बात है यार तुम्हारी ये। तुमने अपने सगे भैया से झूठ बोला, अगर तुम्हारे भैया को पता चल गई ना कि उनका भैया झूठ बोल लिया तो कितना दिल दुखेगा उनका। बहुत गलत बात है। सही कह रहा है। हाँ पापा। अबे कहाँ मर रही है, तीन घंटे पहले तुझे तेल लेने भेजा, अब तक नहीं आया। अरे तो पापा लाइन में तो लगा हुआ हूँ तेल की, भीड़ बहुत है यहाँ। यू कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे दिल में रहते हैं। मैं बोला हाँ, तो बोली अगर मैं दिल में आना चाहूँ तो उन्हें कहाँ रखोगे। मैं बोला उनकी माँ का भोसला, तू आ जा। सब कुछ है। अब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग चुकी है, अगर 50-60 लड़कियाँ आके तुमसे आई लव यू बोले तुम क्या करोगे? 50-60 के बस की मेरा हिसाब नहीं है, मैं बस 3-4 को संभाल सकता हूँ। आदिया खान, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, जिसकी आप लोग बहुत फरमाइश करते हो, आमिर TRT वीडियो दानिश कॉमेडी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखने से पहले, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना। तो आप लोग इनकी वीडियोस बहुत पसंद करते हो और मुझे भी रिएक्शन देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत फनी फनी कॉन्टेंट लेके आता है। तो स्टार्ट करते हैं। वे बहुत सबों के घर के चक्कर लगा रही है तू, सबों आंटी तेरी शिकायत कर रही है मुझसे। ना पापा, मैं सबों आंटी का लड़का है ना, उससे मेरी दोस्ती है, उससे बातें करने चला जाऊंगा। बहुत झापड़ मोपा मारूंगा साले, बाप को चूतिया समझ लिया, उनकी लोंडिया पे लाइन ने मार रिया तू। अब पापा ऐसी बात ना है, तुम भी तो सबों आंटी के चक्कर में आओ। मम्मी से कहूंगा। हाँ भाई साहब। अरे तो अभी तो स्कूल की छुट्टी हुई है, स्कूल के आगे खड़ा हूँ, बैग टंगा पड़ा है मेरे, आ तो रही हूँ घर को, आ रही हूँ। कितनी गलत बात है यार तुम्हारी ये। तुमने अपने सगे भैया से झूठ बोला, अगर तुम्हारे भैया को पता चल गई ना कि उनका भैया झूठ बोल लिया तो कितना दिल दुखेगा उनका। बहुत गलत बात है। सही कह रहा है। हाँ पापा। अबे कहाँ मर रही है, 3 घंटे पहले तुझे तेल लेने भेजा, अब तक नहीं आया। अरे तो पापा लाइन में तो लगा हुआ हूँ तेल की, भीड़ बहुत है यहाँ। दिल्ली की चाल? अरे पापा दिल्ली की चाल ना, दिल्ली तक के लोग आए हुए तेल लेने। कितना झूठा है, बताओ झूठा। आमिर, एक महक नाम की लड़की है, तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत जिद कर रही है तुझसे बातें करने की। स्टाइल ही ऐसा मारा था मैंने रात की बारात में। जा उससे कह दे मेरी तरफ से हाँ है। मैं तो मजाक कर रहा। साले दिल का दौरा पड़वा कैसे, सही बताओ। मजाक यार, सच में तो कोई बात कर लेगी ऐसे। यू कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे दिल में रहते हैं। मैं बोला हाँ, तो बोली अगर मैं दिल में आना चाहूँ तो उन्हें कहाँ रखोगे। मैं बोला उनकी माँ का भोसला, तू आ जा। सब कुछ है यार, हम ही रहेंगे भाई दिल में, उसे मत लाइए। दोस्तों को निकाल देगा। अबे साले तू अपना भाई है, अगर तेरे आड़े कोई आया ना फोड़ के रख दूंगा। अच्छा चुप है भाड़ू, साले हमारे मोहल्ले में आके लड़की छेड़ लिया है। अबे गलत बात है, लड़की छेड़ लिया भाड़ू। लो भाई जावेद मियां खाओ बिस्कुट। पापा बिस्कुट के नहीं, साले कमबख्त खड़ा रहे, वरना थप्पड़ मार दूंगा। खाओ दिलवा दो, कितनी बार सिखाऊं तुझे, लाओ अब खा ले। मैं ना खा रिया, पहले तुमने इन्हें क्यों खिलाया? साले कम वक्त कितनी बार सिखाऊं, पहले कुत्तों को खिलाना चाहिए फिर हम इंसानों को खाना चाहिए। लाओ लेपटा पहन के लोड़ा फाड़ के डाल दूं तुझे। सुअर, हम कुत्ते हो गए आज तेरे यार हम बचपन के। तू कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। अब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग चुकी है, अगर 50-60 लड़कियां आके तुमसे आई लव यू बोले तुम क्या करोगे? 50-60 के बस की मेरा हिसाब नहीं है, मैं बस 3-4 को संभाल सकता हूँ। मतलब भाई से नौकरी कैंसिल होगी, अब देख देख कर रहे। नहीं 3-4 को भी नहीं, सबको कैंसिल। बस एक दानिश भाई, कभी भी तुम्हें पैसों की, कार की, घर की, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तुम बिना टेंशन के अपने भाई से मांग लिया करो। सच में? और क्या यार, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है, दे दो यार। यार अभी मैं सऊदी अरब जा रही हूँ, 4 साल बाद आऊंगा, फिर ले लियो।
क्यों डाल दे भी चाहिए ये के लोड़े यार ये 4 साल पहले की बार मरा दिया यहां पे अभी तो हम तो खुद खाने करते ना यार हम खुद भिखारी कर रहे हैं मुझे बहुत ऊपर पहुंचना है सुल्तान मिर्जा से भी ऊपर अगर उससे ऊपर नहीं तो उससे नीचे भी नहीं तो बेटा तुम्हें तीसरी मंजिल पे पहुंचना पड़ेगा सुल्तान मिर्जा वहीं मिलेगा क्योंकि ये बिल्डिंग 4 मंजिल है या 4 मंजिल पे पहुंच जाओ उससे ऊपर हो जाओगे तुम मिर्जा से अबे झाटू ताकत में कह रही हूँ बच्चों की कहाँ से लावे मैं लावा बिल्डिंग को कह रही हाथी के लंडे यार सुन ले बे तू आज के बाद हमारे घर नहीं आएगा बिल्कुल भी कोई सी भी दावत में अरे क्या कर दिया भाई इन्होंने अबे साले भूख बढ़ाने की दवाई खा के हमें योरे घर का हिसाब भी देख लग रहे हैं और जैसे ही दवाई खा के आए पूरी की देखे देखे खाली हो गई गलत बात है यार तुम्हारी आज ये खाते कम से कम यार एक तो वैसे कम दाबते आम है उसमें भी थोड़ा खाने के आना मत बिल्कुल भी इनसे मिलो ये हमारे छोटे भाई ये एक दिन बहुत ही बड़ा वकील बनेगा बहुत बड़ा अच्छा भाई पढ़ाई में तेज है क्या लड़का ना मुझे और है भोसड़ी का झूठा एक नंबर का मक्कार सोच रहे वकीली बना था और क्या ये सही है तुम्हारी सोच बहुत बढ़िया भाई वकीली बन गया तो यार दानिश भाई अब बहुत थक गया मैं घर में घुसता हूँ तो हर टाइम पापा यही कहते हैं कमाता नहीं दिन रात यही नालतियाँ देते हैं यार हाँ यार तो अब तो तुम कमाना स्टार्ट कर दो ना ना अब तो मुझे आदत है सुनने की यार बिल्कुल जल्दी नहीं हो गई कमाओगे फिर भी ना कमाऊंगा ना यार मैं देखता हूँ पापा कहते रहते हैं थक जाते हैं कहते रहो हम पे क्या फर्क पड़ लिया हमारा फर्ज है सुनो ही मैं तुमको आमिर जब से प्रधान जी के पास पैसा आया ना उनके अंदर घमंड आ गया देखो भाई जिस पे पैसा आता है ना उस पे घमंड आ ही जाता है यार हमारे अंदर तो नहीं आया घमंड तो हाथी के बहुत सारे तुम पे पैसा भी कमाया अरे तो पैसे तो हमारे पास भी 800-900 रुपए लगे दिखाइए फोन पे मैं हमारे फोन में अंदर आमिर भाई तुम्हारी बहू भाग गई मोहल्ले के लौंडे के साथ टेंशन मत लो टेंशन इस बात की नहीं है वो भाग गई टेंशन है तो इस बात की जब दो घर में कार खड़ी है तो भाग के क्यों गई पलंग पे रख के आया था मैं लौंडे के साथ भाग गई फुर अब तो पैदल क्यों गई यार भाग के कार में पैर में रंडुए हो गए तुम अब देखो मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ लेकिन गलत नहीं इस देश का नागरिक होने के नाते बस मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप वो पूरी नहीं करेंगे प्लीज मुझसे 2-4 लुंडिया सेट करवा दो मालदार वाली तो खाने के भी लाने हैं बस 2-4 ज्यादा ख्वाहिश नहीं क्या मतलब मैं तो बोर से सुन रही थी अरे यार तो खत्म हो गई लेकिन मैं इतना गौर से सुन रही थी मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसी बात बोलने जा रही है कि मैं इस शहर का नागरिक हूँ चलो मुझे नहीं आता हिंदी तो बहुत अच्छी बात बोली तो हर कोई अगर आपको पसंद आई लाइक करना कमेंट करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए।